गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। होप करता हूँ कि बढ़िया होगे। तो भाई काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो आज शूट कर रहा हूँ, लगभग 15 दिनों के बाद। और इतने दिनों में मैं कहाँ गायब था, सारी चीज़ें बताता हूँ भाई। एक्चुअली भाई देखो क्या है ना कि मैं कर रहा हूँ बीएड, तो उसमें मेरे को काफ़ी सारा फाइल वर्क, मतलब बहुत सारे काम है भाई, प्रैक्टिकल से रिलेटेड बहुत बहुत सारा काम था। तो वो सारी चीज़ें चल रही थी बीच में, तो इस वजह से मैं वीडियो वगैरह नहीं बना पा रहा था। बट इन 15 दिनों में बहुत कुछ चीज़ें नई हुई, वो आज मैं बताने वाला हूँ। हालांकि आप लोगों को थंबनेल देखे तो आइडिया लग ही गया होगा। एक्चुअली गाइस ना, मैं अपना ओपन कर रहा हूँ लाइब्रेरी, और 10 से 15 दिनों के अंदर मेरे मन में बहुत दिनों से था, बट 10 से 15 दिनों के अंदर प्लान बन गया। तो मैं क्या सोचा ना कि रेस्टोरेंट वाला प्लान तो मेरा फेल हो गया, तो उस तरह ये प्लान फेल ना हो, इसलिए मैं सोचा कि क्यों ना आधा काम करवा लेते हैं, उसके बाद आप लोग के साथ शेयर करते हैं। आज मेरे हाथ में चाबी भी है, तो आप लोग को मैं लोकेशन भी दिखाने वाला हूँ कि कहाँ पर मेरा लाइब्रेरी ओपन हो रहा है। तो लाइब्रेरी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मेरे को परचेज करनी है, जैसे कि फर्नीचर वगैरह से रिलेटेड, चेयर ये सब, और पोस्टर बैनर का भी काम करवाना है। तो ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ कल, बस आज चल के फाइनल करना है। और मेरे साथ चला है अमन, तो चलो बाकी बातें बाइक पे चलते चलते करते हैं। और भाई बहुत दिनों से गायब था, इसके लिए रियली सॉरी कि मैं वीडियोज़ वगैरह नहीं ला पा रहा था, बट अब कंटिन्यू वीडियो आएंगी और सारा काम दिखाएंगे जब तक अपनी लाइब्रेरी कंप्लीट नहीं हो जाती है। तो वैसे अभी मैं आ चुका हूँ मेन लोकेशन पे, जिसमें मैंने अपना हॉल ले रखा है। तो चलो बैक कैमरे से आप लोग देखो और सारी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे आप लोग को ज्वाइन करना है लाइब्रेरी और कब तक बन के तैयार होगा, ये सारी चीज़ें आपसे बता दूंगा मैं आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो जी ये है अपना रूम जो कि हम लोगों ने रेंट पे लिया है। अभी ये देख रहे हो आप, हॉल है पूरा। यहाँ पे देखोगे तो आप वाटर पंप, ये सारी सुविधाएं हैं। यहाँ पे वॉशरूम वगैरह है, थोड़ा साफ सफाई करवानी पड़ेगी, सब बाकी मेंटेन है। और ऊपर था इसके बीटू मॉल, तो आधा देखोगे ना तो नीचे सामान वामान पड़ा हुआ है, अभी बिखरा हुआ है, ये सब सारी चीज़ें साफ़ करवाएंगे जिनका रूम है। और ये मैं सामने अपना हॉल क्या है, 17x20 के आसपास का है। तो ये सारी चीज़ें अभी पेंट होंगी सारी चीज़ें, और इसमें बाकी फर्नीचर का काम होगा। आप देख सकते हो ऐसा कुछ ये हॉल है, इधर भी सारे लोग बैठेंगे, यहाँ पर स्विच वगैरह लगा हुआ है। और अभी फ़िलहाल इतना सारा सामान मैं लेके आया हूँ, डिस्टेम्पर है, पुट्टी है, बालू पेपर वगैरह है। तो भाई देखोगे ना तो इसमें अपना लाइब्रेरी ओपन होने वाला है, जो कि आने वाले 10 से 15 दिनों में लगभग बन के तैयार हो जाएगा। कल शिवरात्रि है तो कल कोई भी काम नहीं होगा, ठीक है। परसों से काम इसमें लगा, मेन काम होगा इसका पहले रंगाई पुताई वाला काम चालू होगा। अभी लाइट कम है तो थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा होगा आप लोग को। बाकी यहाँ पर मैंने सामान वामान ला दिया, अमन गया है भैया को छोड़ने के लिए जो इसको पेंट करेंगे। तो आप लोगों में से जितने लोग पांडेपुर से देख रहे हैं ना मेरे को, तो आप लोग एक बार जरूर कांटेक्ट करना, 1 से 2 दिन में मेरा बैनर पोस्टर वगैरह सब कुछ छप जाएगा। पांडेपुर चौराहे से पहले ही है, ज़्यादा भीड़ भाड़ में जाने की जरूरत नहीं होगी आप लोग को। तो यहाँ सामने से एंट्री होगी आपकी, पहले इसमें बीटू मॉल चलता था, और अभी फ़िलहाल हम लोग आए हुए यहाँ पर। और आप देख सकते हो यहाँ पर ये चैनल लगा हुआ है, और यहाँ पर बोर्ड रहेगा मेरा अभी, और इन फ्यूचर ना अभी ये रोड टूटने वाला, देख सकते हो आप 2 मीटर अंदर जाएगा, यानी कि ये सीढ़ी आगे से चली जाएगी, तो हम लोग एकदम फ्रंट पे आ जाएंगे। बाकी सीढ़ी उड़ी लगा हुआ है, इधर का एरिया आप देख सकते हो कैसा है। तो चलो अभी क्या करते हैं ना, चलते हैं, बोर्ड वगैरह का काम कराना है वो करवा लेते हैं। और एक बार लोकेशन आपसे देख लो, ये सामने देखो अगर यहाँ पर लिखा हुआ है राय साहब का बगीचा। सामान आया है अभी, इसको इसमें डालना है, कोई है नहीं, मैं अकेले आ गया हूँ भाई, सगड़ी वाले भैया हैं, बस देखते हैं किसी का जुगाड़ करते हैं। तो आया तो इसमें, क्योंकि ना ढलान है ना तो ज़्यादा स्पीड में जाएगा भाई बहुत। कैसे कैसे करके आ गया अभी सामान अंदर तक, लाइट वाइट चालू कर दूँ थोड़ा। ठीक है, गुड इवनिंग। तो अभी जो टाइम हो रहा है इसने वो हो रहा है शाम के 5:33, और आज है महाशिवरात्रि और आज शाम का टाइम है, तो महादेव की कृपा हम सभी लोगों पे बनी रहे। और अभी मैं हुआ था अपने हॉल में जहाँ पे अपनी हो रही है ओपन लाइब्रेरी। तो यहाँ पे ना अभी कुछ सामान आया था, जैसे कि प्लाईवुड का कुछ सामान आया था ना, देखोगे आप पीछे पे रखा हुआ है, काफ़ी सारी प्लाईज हैं। और इस साइड देखोगे आप तो कुछ माइका वगैरह के रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आज आने को थी, तो मैं सुबह में निकला था, ब्लॉग शूट नहीं कर पा रहा हूँ भाई, क्योंकि ना थोड़ा सेटअप मेरा गड़बड़ हो जा रहा है, थोड़ा टाइम का कमी हो रहा है, तो इस वजह से मैं पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं शूट कर पा रहा हूँ। बट हाँ, कल से प्रॉपर वीडियोस आएंगी, क्योंकि ना कल से पेंटिंग वगैरह का काम चालू हो रहा है। तो अभी क्या करते हैं ना गाइस, इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं, और कल से सारी डिटेल्स वीडियोज आएंगी, मतलब जितना भी काम चला है मेरा, धीरे धीरे अब कल से काम स्टार्ट हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, और आप लोग भी सपोर्ट करना, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो मेरी लाइब्रेरी को, तो मेरे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करना। मंडे को सारा बैनर वगैरह भी मिल जाएगा, बैनर का काम भी हो चुका है अपना, पोस्टर वो आप लोग देख लेना, मैं कम्युनिटी टैब में डाल दूंगा, ठीक है।